वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं अब छत्तीसगढ़ के भाजपा लोकसभा प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने भूपेश बघेल और कांग्रेस पर निशाना साधा है। नितिन नवीन ने भूपेश बघेल और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने 5 साल सीएम हाउस में बैठकर सरकार चलाने का प्रयास किया, सबको हाशिए पर रखा, उसका यही नतीजा है। भूपेश और कांग्रेस के कारनामों और उनके कुकर्मों की सजा आज उनके कार्यकर्ता उन्हें दे रहे हैं। जब आपने 5 साल तक केवल सीएम हाउस में बैठकर पार्टी और सरकार चलाने का प्रयास किया, कार्यकर्ताओं को और नेताओं को हाशिए पर रखा, तो जो लोग पार्टी नहीं जोड़ पाए, जो लोगों के मन को नहीं जोड़ पाए, आज न्याय यात्रा के माध्यम से और क्या क्या यात्रा के माध्यम से जोड़ने चले थे देश को, जिनसे पार्टी नहीं जुड़ पाई, जिनसे परिवार नहीं जुड़ पाया, तो वो क्या पार्टी जोड़ पाएंगे और मेरा तो ये देश जोड़ पाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि आज भूपेश की जो कारनामे रहे हैं और कांग्रेस ने जो कुकर्म किया है उसका नतीजा उनके कार्यकर्ता उनको सजा देंगे। देखिए, अब जो लोग भी जिससे मिले उससे कहीं स्वागत है उनका मिलने का, लेकिन सारे भ्रष्टाचारी एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। अब क्या सबकी पत्नियाँ के मिलने से उन भ्रष्टाचारियों को छोड़ दिया जाएगा क्या? स्पष्ट रूप से है, जिसने गरीब जनता का पैसा का ठगा है, चाहे वो किसी भी कोने में रहेगा, आकाश में या पाताल में, उसकी जगह जेल में होगी।